दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कार से जुड़े कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 9, पोर्टेबल हाइड्रोलिक फ्लोर जैक। अगर आप अपनी कार से कहीं पर घूमने जा रहे हो या फिर ऑफिस वगैरह जा रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें आपको फॉरन टायर को रिप्लेस करना पड़ता है जो कि एक मुश्किल काम है, और सबसे ज्यादा मुश्किल काम कार में जैक लगाना होता है। ज्यादातर कार्स में आपको मैनुअल जैक्स देखने को मिलती है जिन्हें लगाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके की टूल किट को आप अपने साथ रख सकते हैं जो कि एक तरीके की हाइड्रोलिक जैक रहेगी। इसकी कमाल की बात ये रहेगी कि इसे आप अपने कार के पावर सॉकेट में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि लगभग ये आपकी कार को 3 बार ऊपर उठा सकती है। वहीं इसमें आपको एक छोटा सा एयर कंप्रेशर भी देखने को मिल जाएगा और साइड में एक छोटी सी टूल किट भी होती है जहां पर आपको छोटे छोटे काफी सारे टूल्स को रखने की जगह मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी कर सकते हैं। यहां पर आपको अलग अलग तरीके के स्क्रू ड्राइवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो छोटा सा गैजेट काफी सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल कराता है जहां पर आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी टॉर्च के तौर पर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों काफी यूजफुल रहेगा ये गैजेट जो कि आप अपनी राइडिंग के दौरान हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। नंबर 9, एल्टियर। दोस्तों मछली पकड़ने का शौक बहुत से लोगों को होता है जिस वजह से अक्सर लोग कैंपिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मछली पकड़ने के लिए जिस फिशिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो इसके लिए आप इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं जो कि खास तौर पर इस तरीके की रॉड्स को कैरी करने के लिए बनाई गई है। इसे आप अपने कार के रूफटॉप पर इंस्टॉल करवा सकते हैं और जब भी आपको जरूरत होगी तो इसमें आप अपनी फिशिंग रॉड को रख पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर इसे एक्सेस करना भी बेहद आसान रहता है। इसमें आपको एक छोटा सा लॉकिंग मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप इसे इजीली लॉक भी कर सकते हैं, और इसकी एक्सपेंडेबल डिजाइन इसे और भी ज्यादा खास बनाती है क्योंकि इससे आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने व्हीकल्स के साइज और रॉड के साइज के हिसाब से। तो बेहद सिंपल सा ये गैजेट रहता है जो कि खास तौर पर फिश लवर्स के लिए बनाया गया है, यानी कि जिन्हें फिशिंग का शौक है वो इस तरीके के गैजेट को अपनी कार पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। नंबर 7, हल्कमैन जंप स्टार्टर। दोस्तों जब हमारे मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम लोग ज्यादातर पावर बैंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसे दोबारा से चार्ज करने के लिए, लेकिन क्या हो जब आपकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए? ऐसे में कार को स्टार्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो धक्का भी लगाना पड़ सकता है। तो इससे बचना अगर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। देखने में तो ये एक छोटी सी पावर बैंक जैसा लगता है जिसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स और ड्रोन और कैमरा जैसी चीजों को चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है अपनी कार को स्टार्ट करने की तो इमरजेंसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल आप अपनी कार की बैटरी के साथ कर सकते हैं, जिससे कि कार को जंप स्टार्ट करने में ये आपकी मदद करेगा। यानी कि नॉर्मल डेज में तो आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी पावर बैंक के तौर पर करेंगे जिससे कि आपके मोबाइल फोन वगैरह चार्ज होते रहेंगे, और इमरजेंसी में ये आपकी मेहनत बचाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा है। वहीं दोस्तों इसमें आपको टाइप सी और यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि नॉर्मली आप अपनी यूएसबी की मदद से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं इसमें एक छोटा सा डीसी आउटपुट भी देखने को मिल जाता है जिससे कि कार में वैक्यूम क्लीनर और इन्फ्लेटर वगैरह को चलाने में बेहद आसानी रहेगी। ये गैजेट 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे कि इसे काफी तेजी से चार्ज किया जा सकता है। वहीं इसमें सामने की तरफ आपको एक छोटी सी एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल आप एक टॉर्च के तौर पर कर सकते हैं। तो काफी सारे कमाल के ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं इस छोटे से गैजेट में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, निवो क्यूब स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर। अगर आप अपने कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं तो आपके पास कार इन्फ्लेटर का होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर टायर प्रेशर की प्रॉब्लम बनी ही रहती है टायर्स में, जिससे बचने के लिए इस तरीके का कार इन्फ्लेटर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। बात करी जाए नॉर्मल जो इन्फ्लेटर्स आते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेटर साइज में बेहद छोटा रहेगा जिससे कि ऑपरेट करना भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जिससे कि आप टायर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसमें एयर रिफिल भी कर पाएंगे। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहेगा कार ओनर्स के लिए। इसमें आपको अलग अलग अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप स्पोर्ट्स बॉल वगैरह में भी एयर रिफिल कर पाएंगे। तो बेहद यूजफुल रहता है इस तरीके का गैजेट किसी भी कार ओनर के लिए। नंबर 5, व्हील ड्राइवर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा मल्टी टूल गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। मल्टी टूल गैजेट्स की खास बात ये होती है कि वो साइज में तो बेहद छोटे होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें आपको इतने सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही रहता है जो कि दूर से देखने में तो एक छोटे से व्हील जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारे छोटे छोटे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आप बिट्स वगैरह को लेकर अपने साथ कैरी कर सकते हैं जिससे कि आप एक स्क्रू ड्राइवर की तरह इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं आपको इसमें हेक्सा बिट्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप उन्हें भी ओपन कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट की मदद से। इसके जो अंदर का स्पेस रहता है वहां पर आप अलग अलग साइजेस की बिट को लेकर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और ओवरऑल देखने में तो ये काफी कमाल का लगता ही है। तो इस तरीके के छोटे से मल्टी टूल गैजेट को आप भी अपनी कार की टूल किट में लेकर कैरी कर सकते हैं जहां पर ये आपके लिए एक बेहतरीन तरीके के स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करेगा। नंबर 4, ट्राई लाइट।
दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इमरजेंसी कंडीशन में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये एक तरीके की वार्निंग लाइट होती है जो कि आपको एक ट्रायंगल के शेप में देखने को मिल जाएंगी। इन लाइट्स की खास बात ये होती है कि ये आपको रेड कलर की एलईडी में देखने को मिलेंगी, जिससे कि अगर आपको अपनी गाड़ी को साइड में कहीं पार्क करना हो तो एक पार्किंग सिग्नल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इमरजेंसी कंडीशन में ये आपके लिए एक बेहतरीन तरीके के सिग्नल गैजेट के तौर पर भी काम करेगा, जिससे कि आप लोगों की हेल्प मांगने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बैक साइड पर आपको एक छोटी सी टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है जो कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। इसकी रेड एलईडी लाइट्स को आप डिटैच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। इसे अगर आप चाहें तो अपनी बाइक लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। दोस्तों इसमें इनबिल्ट होती है एक पावरफुल बैटरी जो कि आपकी कार के लिए एक जंप स्टार्टर के तौर पर भी काम कर सकती है, जिससे कि अगर आपकी कार की बैटरी कभी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इसकी मदद से भी अपनी कार को स्टार्ट कर पाएंगे। वहीं ये आपके लिए छोटी सी पावर बैंक के तौर पर भी काम करता है, जिससे कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इस गैजेट की मदद से आसानी से अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफी सारे फीचर्स देखने को मिल गए हैं इस छोटी सी लाइट में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर थर्ड, मोकी डो स्टेप। दोस्तों कार की जो रूफ होती है वो काफी हाइट पर रहती है, और अगर आपको कोई सामान रखना है या फिर अपनी कार की साफ सफाई करनी है तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है उस हाइट पर जाकर ये काम करने में। तो इसके लिए आप इस तरीके के छोटे से मोकी डोर स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके डोर लॉक का इस्तेमाल करके आसानी से आपको कार के रूफ तक की एक्सेस देता है। ये एक छोटा सा गैजेट रहता है जिसे कि आपको अपने कार के डोर लॉक पर फंसा देना होगा, जिस पर पैर रखकर आप इजिली ऊपर चढ़ सकते हैं। जिसे कि अगर आप कोई सामान वगैरह बांध रहे हैं या फिर अपनी कार की सफाई कर रहे हैं तो काफी इजी रहेगा इस गैजेट की मदद से। ये गैजेट देखने में भले ही सिंपल सा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी आपको साफ सफाई करनी पड़ती है तो आपको इस टूल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये गैजेट है तो इसकी मदद से आप आसानी से अपनी साफ सफाई का काम या फिर सामान को बांधने का काम कर सकेंगे। तो ये छोटा सा गैजेट काफी ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है, तो अगर आप भी इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर सेकंड, ट्रेड रिकवरी बोर्ड्स। दोस्तों गाड़ियों का रेतीली जैसी जगहों में धंसना या फिर मिट्टी वगैरह में फंसना बहुत कॉमन सी बात है, और इंडिया के अंदर भी बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि अगर गड्ढे ज्यादा होते हैं तो कार का टायर अगर एक बार उसमें चला गया तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए इस तरीके के छोटे से गैजेट को बनाया गया है जो कि काफी कमाल का रहेगा और कारगर भी रहेगा। इस गैजेट की बात करी जाए तो ये एक तरीके के प्लास्टिक बोर्ड्स होते हैं जिनमें कि आपको ग्रिप्स बनी हुई देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका कार का टायर इसमें धंस जाता है तो बस इसे आपको अपने कार के टायर के पास लगाना होगा, और जैसे ही आप हल्का सा एक्सीलरेटर लेते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आपका कार का टायर बाहर आ जाएगा। तो बेहद सिंपल से लॉजिक का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी को बाहर निकाल लेता है गड्ढों से, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। लेकिन इंडिया के अंदर इस गैजेट की कितनी ज्यादा अहमियत है ये तो वही लोग जानते होंगे जो लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर जा रहे हो और आपकी कार का टायर फंस गया हो। नंबर वन, राइनो रैक। दोस्तों आप जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा जो कि अपनी कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं, क्योंकि एक समय तो ऐसा आ ही जाता है जब आप बोर हो जाते हैं और आपको थोड़ी देर स्टे करना पड़ता है। और अगर आप कैंपिंग वगैरह का कोई इरादा लेके गए हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी मदद से आप एक टेम्परेरी टेंट लगा सकते हैं, वो भी अपनी कार का इस्तेमाल करते हुए। जी हां दोस्तों, इसे आपको अपनी कार के रूफ में इंस्टॉल कर देना होता है, और जहां पर भी आपको स्टे करना है थोड़ी देर तो वहां पर आप एक टेम्परेरी टेंट लगा सकते हैं इस छोटे से गैजेट की मदद से, जिसे कि इंस्टॉल करना बेहद आसान रहेगा। तो दोस्तों काफी बेहतरीन सा ये गैजेट रहता है जो कि एक तरीके का ओपन टेंट होता है और आपकी कार के साथ काफी बेहतरीन भी लगेगा। तो अगर आप कैंपिंग वगैरह का शौक रखते हैं या फिर लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर स्टे करने के लिए आप इस तरीके के छोटे से पोर्टेबल स्टैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं वीडियो में दिखाएगा किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।